बीते दिनों पटना के खुशरूपुर के मोमिनपुर गांव में एक दलित महिला के साथ गांव के दबंगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पटना के खुशरूपुर के मोमिनपुर गांव में 23 सितंबर को घटना घटी थी। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम 15 मिनट के अंदर पहुंची और मामले की जांच की। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि महिला से मारपीट और दुर्व्यवहार मामले में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। मुख्य आरोपी प्रमोद सिंह की गिरफ्तारी खुशरूपुर ब्लॉक के पास से मंगलवार की सुबह पटना पुलिस ने की है। वहीं प्रमोद का बेटा अंशु के साथ चार अज्ञात अभियुक्त अब भी फरार है। पुलिस अन्य चार अज्ञात अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी ने बताया कि डायल 112 को महिला से छेड़खानी और मारपीट की जानकारी मिली थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि 15,000 रुपये बाकी था, लेकिन महिला ने बताया कि 1,500 बाकी है। इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। प्राप्त जानकारी में इलाके में सूद का बड़ा अवैध कारोबार फैला है, जिस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। 23 सितंबर को मोसिमपुर गांव है खुसरोपुर थाना अंतर्गत, वहां पे घटना घटी थी। रात में एक महिला जो कि अनुसूचित जाति से आती हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार मारपीट की घटना घटी थी। उसके बाद रात ही में 112 को कंप्लेंट गई थी और त्वरित कार्रवाई करते हुए 112 की टीम मौके पर पहुंची थी। महिला को अस्पताल ले जा करके उसका इलाज कराया था और उसका बयान लेकर के हम लोगों ने SC ST की रेलिवेंट धारा के अंदर केस किया था। उसके बाद जो अभियुक्त थे, दो अभियुक्त थे और चार अज्ञात पे केस दर्ज हुआ। लगातार हमारी टीम SDPO फतुहा के नेतृत्व में छापेमारी करती रही। कई ठिकानों पर इनके छापेमारी की गई और छापेमारी का नतीजा ये है कि आज इनकी अरेस्टिंग, जो मेन अभियुक्त है इसमें प्रमोद सिंह जो कि मोसिमपुर गांव का रहने वाला है, उसकी अरेस्टिंग कर ली गई है। इसमें एक और अभियुक्त है जो कि इसी अभियुक्त का बेटा है अंशु, उनकी भी अरेस्टिंग के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्द उम्मीद है कि उसमें भी हम लोग उसमें कामयाबी हमको मिलेगी। जो पूरा मामला यह है, इसमें जो अपराध जो दर्ज कराया था कांड, उसमें ये आरोप लगाया गया था कि दो अभियुक्तों ने महिला को मारपीट किया है, नग्न करके उसको मारपीट किया है और उसको पेशाब भी पिलाया है, ऐसा आरोप FIR में लगा था। SDPO फतुहा ने इसकी पूरी जांच की घटनास्थल पे जा करके, तो मामला ये समझ में आया कि इन लोगों के बीच में पैसे को लेन देन से पुराना विवाद है। पैसे के चलते ये अभियुक्त पक्ष बार बार तंग करता था महिला को और तंग करने पे घटना के दिन रात में उसको मारपीट किया और उसको दुर्व्यवहार किया उसके साथ। लेकिन अभी तक जो साक्ष्य सामने आए हैं, क्योंकि 112 की टीम भी तुरंत मौके पे 15 मिनट के बाद ही पहुंच गई थी, उस समय जो मौके पे 112 के ऑफिसर गए थे उनको किसी ने भी ये तथ्य नहीं बताया था कि महिला के साथ पेशाब की जो करने वाली घटना है वो घटना उसके बारे में उस समय नहीं बताया था। लेकिन अभी भी अनुसंधान जारी है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इसमें जो तथ्य है क्या नहीं है, लेकिन अभी भी अनुसंधान जारी है। अगर ऐसा तथ्य कोई सामने आता है तो उस पर हम लोग उसी कार्रवाई करेंगे और इसमें जो एक अभियुक्त बच गया है और अन्य चार जो इसमें अभी अज्ञात हैं उनके बारे में पता लगाया जा रहा है और एक मुख्य अभियुक्त जो बच गया है उसमें छापामारी करके प्रयास जारी है। देखिए, क्योंकि जिस समय घटना हुई हम लोगों के पास ERSS का भी रिपोर्ट है, तो ERSS का जो रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट है कि जो गांव से फोन आया उसमें ये आया कि महिला के साथ छेड़खानी हुई है और उसके साथ मारपीट हुई है। उसके 10 से 15 मिनट के अंदर जो ERSS के प्रभारी हैं जो उस समय ड्यूटी पे थे वो पहुंचे, वहां पे महिला से बात की, अन्य जो अगल बगल के लोग हैं उनसे बातचीत की। महिला के द्वारा या फिर जो अगल बगल के लोग हैं उनके द्वारा उस समय नहीं बताया गया था, लेकिन बाद में जब FIR हुआ तो वो तथ्य सामने आया था। इस बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं, जैसा भी तथ्य सामने आएगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। उस्ताद से की अभियुक्त ने क्या बताया सर, कितने पैसे? अभियुक्त से जो हम लोगों ने अभी बातचीत की है, इनसे इंटरोगेशन किया है, उनका भी यही कहना है कि इसमें हम लोगों को पैसे का विवाद था जिसको चलते हम लोग बार बार इनसे पैसा डिमांड करते थे और ये बात भी इन्होंने कबूल की है कि इन्होंने दुर्व्यवहार किया है, मारपीट की है। कितने अभी हम लोग निर्देशित कर रहे हैं कि अभी जाकर के उस वीडियो को साक्ष्य के रूप में जब्त किया जाएगा। क्या दो आदमी के पास है? हाँ, उस वीडियो को साक्ष्य के रूप में जब्त किया जाएगा जिसके पास है उससे लेकर के, और उसमें जो भी दिख रहा है उसको साक्ष्य बनाते हैं, उस पर कार्रवाई की जाएगी। महिला को किस अवस्था में मिला, 112 को मिला? जो 112 के ऑफिसर से हम लोगों ने बात की है उसने ये बताया कि जब हम वहां पहुंचे तो महिला को चोट लगा हुआ था सर पे, उसे कुछ कपड़ा टाइप का कुछ बंधा हुआ था जिसपे खून लगा हुआ था, सर पे चोट लगी हुई थी महिला को, इसीलिए तुरंत उसको लेकर के महिला सिपाही के साथ
वो अस्पताल लेके इलाज के लिए तुरंत कपड़ा पूरी तरह से पहना हुआ था। उनका कहना है कि कपड़ा उस समय महिला पहनी हुई थी। सर दुर्व्यवहार की बात कर रहे हैं, किस तरह का दुर्व्यवहार इन्होंने बताया किया है? इन्होंने कहा कि हम आवेश में आकर के उसको मारपीट किए हैं, ये हमसे गलती हुई, ऐसे इन्होंने बात की है और उसको महिला के साथ इन्होंने मारपीट की। ये अपने घर में किया है ना? इन्होंने बताया कि महिला का और इनका घर नजदीकी है, लेकिन जो मारपीट हुई है वो महिला के घर के नजदीक हुई है जब ये पैसा उनसे मांगने गए थे। लेकिन इनके भाभी का 10 बजे लेकिन इनके भाभी का स्टेटमेंट है सर कि वो महिला उनके घर गई थी। ये देखिए जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं वो हम लोग जो विटनेसेस हैं उसको हम एग्जामिन कर लेंगे, लेकिन अभी तक जो हम लोग को सामने आया वो हम बता रहे थे। बताया जा रहा है वहाँ गुंडा बैंक चलता है जिसका इंटरेस्ट जो है अनकंट्रोल है। 1500 रुपया लिया गया था, महिला से हमारी बात हुई थी जी। उसने कहा कि 1500 रुपया लिए थे जी। और ये लोग सूद पर सूद ही लोग चढ़ा के उसको अनवांटेड बताते हैं। इस बात की पुष्टि हुई है कि वहाँ पे सूद के का कारोबार इस तरह से ये लोग करते थे, क्योंकि एक नहीं कई लोगों को ये लोग पैसा दिए हुए थे। ये बात इन्होंने भी कबूल करी है कि हम कई लोगों को पैसा दिए हुए हैं, तो इसका मतलब इससे क्लियर है कि ये सूद का कारोबार होता था। उस पर भी हम लोग अंकुश लगाने का, जो विधि सम्मत है वो अंकुश लगाया जाएगा। हम लोगों को महिला यही बात दी है कि हमारे मुंह में पेशाब कर रहा है। एफआईआर दर्ज कराई है, 2 को तो नामजद किया है, इनको और इनके बेटे को, और 4 अज्ञात के बारे में बोला है कि हम एफआईआर में जो लिखा है कि हम उनको नाम से नहीं जानते हैं लेकिन पहचानते हैं, ऐसा एफआईआर में लिखा है। सर ये सरेंडर किया है या गिरफ्तारी से अभी अभियुक्त क्या बताया है? नहीं इससे अभी नहीं बात बात की है। अच्छा ये जो मैम क्या था गिरफ्तारी हुई है फतुहा ब्लॉक के नजदीक से गिरफ्तारी हुई है आज सुबह।